और साथियों आप सभी का स्वागत है आज के इस महा मैराथन क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं आप लोग का हिस्ट्री का जो VVI ऑब्जेक्टिव है उसका कंप्लीट सीरीज हम चलाएंगे, जिसमें हम लोग आप लोग का टोटल टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा VVI है। तो चलिए अभी हम पटना आए हुए, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग का हम यहाँ से भी क्लास ले रहे हैं और पीछे से मेरे प्लेन क्रॉस कर रहा है क्योंकि अभी आपको आवाज़ भी जा रहा होगा, ठीक है। अभी हम बैठे हैं आप लोग के बुद्धा पार्क में और यहाँ से आप लोग का क्लास हम ले रहे हैं, सोच सकते हो आप। चलिए कोई बात नहीं है, सब चीज़ होते रहेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का नीचे सॉल्व करो, ठीक है, पीछे प्लेन जा रहा है उसका आवाज़ आएगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या निकल के आता है कि राजनीति किसकी रचना है, ठीक है, ये आप लोगों को करनी है। राजनीति किसकी रचना है, चलो ऑप्शन आपने दे दिया, लेकिन चारों ऑप्शन आप लोग को, अरस्तु का, मनु का, प्लेटो का या फिर कौटिल्य का, किसका रचना है, तो यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए आप लोग का क्या है, अरस्तु का रचना है आप लोग का राजनीति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है, सेकेंड क्वेश्चन क्या, सो देखो कहते हैं द रिपब्लिकन रचना जो किसके द्वारा किया गया है, प्लेटो के द्वारा, भीष्म के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, फिर मैकियावेली के द्वारा। द रिपब्लिकन रचना किसके द्वारा किया गया, प्लेटो, भीष्म, अरस्तु या फिर मैकियावेली, नीचे कमेंट कर देना जिसको पता होगा, जिसको नहीं पता है नीचे लिख देना मैकियावेली, सॉरी ये आप लोग का जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो द्वारा किया गया था, ठीक है। देखो इतना घिना देते हैं ना, हम सोचो पूछो मत, चलो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कैसे थर्ड क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों का, थर्ड क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि राजनीतिक चिंतन का जुड़ाव जो है ना कहाँ से है, राजनीति से, वेदों से, अर्थशास्त्र से या फिर नैतिकता से। तो स्वाभाविक सी बात है राजनीतिक चिंतन की जुड़ाव कहाँ से रहेगा, राजनीति से रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, राजनीति से। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ से निकल के आता है आप लोगों का कि प्राचीन राजनीति चिंतन के प्रमुख स्रोत क्या है, प्राचीन राजनीति के प्रमुख स्रोत पूछा जाता है, ठीक है, किस चीज़ से मतलब जान जाता है, उपनिषद से, पुराण से, वेद से या फिर उपरोक्त सभी, किस चीज़ से हम लोग को उसका ज्ञान मिलता है, किस चीज़ का, प्राचीन राजनीति का। तो हम लोगों को जो उपनिषद से मिलता है, पुराण से मिलता है, वेद से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आ गया फाइव नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज, अरे भाई तो सब वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फाइव नंबर क्वेश्चन आपका क्या निकल के आता है, कहते हैं महाभारत में जो आप लोग का शांति पर्व का संबंध किससे, शांति पर्व, शांति पर्व को मतलब ये समझ लो ना कि शांति युद्ध में जब शांति होगा महाभारत में, तो सीधी सी बात है उसमें क्या हो, किसी का हार होगा, किसी का जीत होगा, और तभी आपका क्या होता है, युद्ध शांत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधे हमको उतना सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट, की युद्ध भूमि में जो आप लोग का है विजय के संवाद से, ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि महाभारत में युद्ध समाप्ति होगा तो उसमें क्या होगा, विजय होगा किसी का, तो युद्ध में क्या होगा, विजय के संवाद से, ठीक है। चलो अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो ये आप लोग हज़ार बार हम पढ़ा चुके हैं, अष्टाध्यायी की रचना किसने की, नीचे जिसका जितना सही होगा नीचे कमेंट कर देना लास्ट में, ठीक है, बाकी आप लोग काउंट कर दे जाएंगे किसका कितना सही होगा। अष्टाध्यायी की रचना जो किसने किया है ये हम आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग को बताना नीचे कमेंट में किसका, किसने लिखा है रचना, ठीक है, क्योंकि आप लोग हम बहुत बार करवा चुके हैं। चलो सेवन में क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, तो ये असर क्यों, क्योंकि आप लोग हज़ार बार हम करवा चुके हैं। रामायण किसकी रचना है, नीचे कमेंट देना, वाल्मीकि, वेद व्यास, मनु, मैकियावेली, किसकी रचना है कर देना नीचे कमेंट। देखो एट नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ से कहते हैं कि किसने माना कि राज्य जो है देवीय संस्था है, किसने माना कि राज्य जो है क्या है, देवीय संस्था है, इसमें पूरा देवों का जो है निवास था पहले समय में, ठीक है, ये किसकी है ना मानना का विचार है, ठीक है। यहाँ पे चार से मैंने आप लोग लगा दिया है क्या क्या चीज़, आप लोग का प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, मनु हो गया और मैकियावेली हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मनु का कहना है कि आप लोग का जो है ना राज्य क्या है, देवीय संस्था है, ठीक है। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहते हैं राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत में कौन संबंधित नहीं है, ठीक है, स्वामी, जनपद, आमत या फिर राजनीति। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, राजनीति के, राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं उसमें आप लोग का ये सब शामिल है, ठीक है, स्वामी हो गया, जनपद हो गया, आमत हो गया, लेकिन राजनीति आप लोग का उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए टेन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्या निकल के आता है, कहते हैं कि उत्तर वैदिक साहित्य में जो आप लोग का राजनीतिक संस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, रथनी से, जन से, सभा से या फिर समिति से। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि रथनी से हम लोग को मिलती है, ठीक है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से कहते हैं सप्तांग में जो आपका किसका स्थान द्वितीय है, सप्तांग, सप्त जिसके अंग होते हैं उसी को सप्तांग कहते हैं। तो कहता है कि उसमें जो किसका स्थान द्वितीय दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या करना, आमत्य रखना, ठीक है, आमत्य को जो दूसरा स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहते हैं कि भारत का जो है प्रथम आवश्यक, सॉरी राज्य का जो प्रथम आवश्यक अंग होता है वो क्या होता है, देखो राज्य में तीन चार चीज़ आवश्यक होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वहाँ का शासन हो गया, वहाँ का जनता हो गया और वहाँ का बहुमत हो गया, जिसको मिलेगा वही राजा बनेगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, उसमें राजा होता है, ठीक है, राजा होता है तभी तो राज्य का निर्माण करवाता है, ठीक है। चलिए आइए थर्टीन में क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप लोगों का थर्टीन में क्वेश्चन आपका क्या निकल के आ रहा है, कहते हैं कि किस जैन ग्रंथ में आप लोग का षोडश यानी कि 16 महाजनपद की जो आप लोग की है उल्लेख मिलती है, किस में,
जैन धर्म है, ध्यान रखना ये आप लोग को, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों अलग अलग चीज़ है, तो आप लोग को जैन धर्म याद रखना है। जैन धर्म में आप लोग को किस चीज़ में देखने को मिलती है, यहाँ पे भगवती सूत्र दिया हुआ है, परिशिष्ट पर्व दिया, पद्म पुराण दिया और आदि पुराण दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या, भगवती सूत्र में जो आप लोग का है षोडश महाजनपद की रचना मिलती है जैन धर्म में, ध्यान रखना, ठीक है। ये आप लोग का 100% VVI क्वेश्चन है, इसको रट जाना। और देखो अगला क्वेश्चन तो और भी है, देखो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में जो आप लोग का षोडश महाजनपद की जो है नाम मिलती है किस में, बिना पीठक हो या अंगुत्तर निकाय, शुद्ध पीठक हो, ललित विस्तार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, और आप लोग का बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म में आप लोग का क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ जैन धर्म में आप लोग एक बार याद करना, ठीक है। जैन धर्म में आप लोग का क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र, और इसमें आप लोग का हो जाएगा अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग को नीचे करना है फटाफट से कमेंट, प्राचीन समय में आप लोग का कौन सी शासन प्रणाली जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करें, सीधे आँख मुन के मारेंगे राज था, क्योंकि पहले समय में राजा हुआ करता था, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसको चल जाएगा -1 मार्क्स। क्या सर ये कैसे हो गया, आप कहाँ से पढ़े हैं, हम कहीं से पढ़े नहीं है भाई, BTBC जो है ना आप लोग का NCERT का बुक उसको फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि गाइड में आप लोग का आंसर गलत भी देता है, लेकिन हालांकि तुम्हारा ये कहना सही है, क्योंकि आप लोग को जो चीज़ पता रहेगा वही ना बताओगे। गणतंत्र भी सही है, कुलीन तंत्र भी सही है, उपयुक्त में सभी होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे जो VVI आंसर होगा, मोस्ट ऑफ द इसका आंसर होगा वो होगा कुलीन तंत्र। कहीं उसे कुलीन तंत्र क्या होता है बताइए, तो कुलीन तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से ना प्राचीन समय में, क्योंकि प्राचीन समय के यहाँ पे बात किया जा रहा है ना, सबसे प्राचीन समय में जो आपका कुलीन तंत्र था, कुलीन तंत्र में क्या था कि कुछ विशेष आदमी, जैसे कि समाज में कोई जो सबसे शिक्षित आदमी हो गए वो हो गए, और कुछ जनपद यानी कि कुछ जन में जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे होते थे वो हो गए, और समाज द्वारा कंप्लीट मिलके जो उसमें शासन चलाया जाता था, उसी को मतलब क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया हो अब हम बोलेंगे नहीं, लाइक कर देना, ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, इतना मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। श्री कहते हैं कि हरियंक वंश के सम्राट जो है बिंबिसार की पत्नी कौन थी, कहीं भी आप लोग को कौशल देवी मिलेगा, कहीं खेमा मिलेगा, कहीं भी आप लोग को उपयुक्त सभी में मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका देखो सबसे अगर बेस्ट आंसर होगा ना वो होगा चेलना, ठीक है। हालांकि ये सभी इनकी क्या थी, पत्नियाँ थी हरियंक वंश के सम्राट बिंबिसार की, क्योंकि एक राजा के बहुत सारी पत्नियाँ हुआ करती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, चेलना, क्योंकि चेलना की 3 पुत्री थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो जो है सबसे VVI क्वेश्चन हो जाता है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका चेलना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पता है कि कौन सा शासक जिन अपने पिता की हत्या कर सम्राट बना। अब देखो हर एक अगर देखा जाए पुराने समय का, तो हर एक राजा का यही रहता था मोटो की मतलब अपने पिता को मार के अपना क्या करता था, राजा बन जाता था, ठीक है, गद्दी पकड़ लेता था। तो बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, और उदयन और अजातशत्रु दोनों दिया हुआ है। तो देखो इसमें आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो हम बताते हैं। अजातशत्रु क्या हो गया, अजातशत्रु किसका पिता, उदयन का, उदयन किसका बेटा, अजातशत्रु का। अजातशत्रु भी क्या कहता है, इसका युद्ध करके मतलब मार के बना था, ठीक है। तो देखो इसमें आप लोग अजातशत्रु और उदयन दोनों दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा क्या करना है, पहले आप लोग नीचे कमेंट में बताओ क्या आंसर इसका राइट होगा, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। तुम लोग को थोड़ा सोचना भी जरूरी है, क्योंकि सोचोगे नहीं ना तो फिर आप लोग को याद भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो लो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप लोग उदयन भी सही होगा, क्योंकि देखिए उदयन किसका पता, अजातशत्रु का, और उसने भी क्या करता, अजातशत्रु को मार के ही गद्दी पे बैठा था। तो इसका ऑप्शन डी भी लगा सकते हो, लेकिन आप लोग को यहाँ पे पहले अजातशत्रु दिया हुआ है, तो अजातशत्रु क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। बहुत सारे आंसर में आप लोग को डी भी दिया हुआ, तो आप लोग उस पर नहीं करना, अजातशत्रु पर टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, जितना ईजी है उतना ही हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घूम जाते हैं इस क्वेश्चन में, कहिएगा कैसे सर, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अजातशत्रु टिक कर देंगे, ठीक है, और उदयन टिक कर देंगे, क्योंकि आप लोग को उदयन लिखा है गूगल पे, लेकिन ये आप लोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पाटलिपुत्रा जो है ना, उदयन जो क्या क्या था, मगध से राजधानी उठा के पाटलिपुत्रा किया था, लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया था, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किया था, और अजातशत्रु क्या है, उदयन का बाप है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना, अजातशत्रु टिक करना ना कि उदयन टिक कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बुक में आप लोग को दिया हुआ है अजातशत्रु, अजातशत्रु मान के चलेंगे यहाँ से। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या निकल कहता है कि किस शासक ने जब बाजी संघ के साथ रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया है, ठीक है, किस शासक ने, यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने आप लोग को लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अभी जस्ट मैंने किसके बारे में पढ़ा था, अजातशत्रु के बारे में, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सोना प्राप्त करने को सिंधु जो है क्या कहा गया है, ठीक है, सोना सिंधु प्राप्त करने के हम क्या कहते हैं उसको, तो नीचे कमेंट करके बताना, हिरणमयी इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हिरणमयी, हिरण का क्या कहता है, शहर मतलब फेस जो होता है क्या, तो सोना जैसे चमकते रहता है, तभी तो सीता जी कहते हैं किसको, राम भगवान के कार्य जाइए नाथ, आप जाइए थोड़ा सा हिरण को पकड़ के लाइए ना, हमको अच्छा लगता है, और उसी चक्कर में सीता हरण हो जाता है। तो क्या कहना है यार, अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं सोने की चिड़ियाँ, सोने की चिड़ियाँ क्या थी, पहले मेरा भारत था लेकिन अब क्या बर्बाद कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन ये कहते हैं कि कहाँ की जो चूड़ियाँ हैं वो अपनी कारगिली के लिए कारीगरी होगा, ठीक है, आप कारीगरी होगा यहाँ पे, कारीगरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, विख्यात है। यहाँ पे आप लोग को चार ऑप्शन दिया है, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा। तो फिरोजाबाद की जो चूड़ी है नक्काशी में क्या बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा, ठीक है। 23 देखिए आप लोगों का, कहते हैं कि किसमें लोहे के लिए श्याम या फिर लगा होता है, ये आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सो देखो, चलो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे पहले बताओ, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग अथर्वेद दिया गया है, बाकी बहुत सारी जगह ऋग्वेद और ये सभी देख सकता है, लेकिन राइट आंसर आप लोग को क्या करना है, अथर्वेद देखना है। गाइड में आप लोग का क्या रहता है, गेस्ट पेपर में फॉल्स क्वेश्चन दिया रहता है आंसर उस करके, तो इसलिए कहा था आप लोग को माइनस मार्किंग चल जाता है। चलिए 424 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से, कहते हैं आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये आप लोग आर्यभट्ट प्रथम किया था, यानी कि आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की स्थापना किसने की, आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को पिछले दिन किया था मिस्टेक से, मैंने गलती आंसर बता दिया था इसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको देखो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इतिहास का अवधारणा जो आप लोग का ऋग्वेद में सबसे पहले देखने को मिलता है, हमने उस दिन आपको अथर्ववेद बता दिया था शायद, तो मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर लेना, ठीक है, ऋग्वेद कर लेना। देखो जो चीज़ मिस्टेक होगा ना, मिस्टेक कोशिश होता है जो क्या करता है, प्रयास करता है, जो मिस्टेक जिससे नहीं होगा मतलब वो प्रयास ही नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, गिरता वही है जो क्या करता है, आगे चलने का प्रयास करता है, तो इसलिए आप लोग घबराना नहीं है, वो एक मिस्टेक हो गया तो मैंने आपको यहाँ पे आके सही करवा दिया, ठीक है। चलो आगे कहते हैं कि प्राचीन समय में आप लोग का पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया किस से, धर्म से कहिएगा, राजनीति से या फिर घर से, किसी से, तो पहले समय में जो ना प्राचीन समय में पर्यावरण को किससे जोड़ा गया था, धर्म से कहिएगा सर, कैसे, क्योंकि पहले समय में जैसे पीपल का पेड़ का पूजा हो गया और आप लोग का बरगद के पेड़ का पूजा हो गया, क्योंकि उसमें सोचा आदमी कि अगर धर्म से जोड़ देंगे तो आदमी उसको क्या करेगा, रख रखाव रखेगा बढ़िया, उसको काटेगा नहीं, ठीक है, और इसी वजह से क्या कर दिया था, धर्म से जोड़ दिया गया था, कोई दिक्कत। चलो 17 नंबर 27 क्वेश्चन देखो यहाँ से, जो बच्चे लाइक नहीं किए वो लाइक कमेंट शेयर करना दिल से, ठीक है। पता है कि किसके लिए कहा गया है कि हमें अपनी पुत्र मानकर इस तरह धन धान्य प्रदान कर, जैसे कि गाय दूध से मिलता है, तो ये पृथ्वी की बात है। देखो भाई अगर आप नहीं लाइक करोगे तो आपको उसकी कसम है, ठीक है, आपको छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है। चलो अब तुम सोच रहे ना क्या विचार है तुम्हारा, क्योंकि आप लिए इतना मेहनत करते हो तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हो ना, जो कि वो आपके लिए मेहनत नहीं करते फिर भी आप उनके लिए रात भर जगते हो, सोचो, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा जग जाओ और मेरे थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। कहते हैं कि समंतरिक्ष दुष्यनो अस्तु वर्णित है, इसमें किसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किसमें वर्णित है, तो इसमें आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर चार समय मैंने आप लोग लगा दिया है ना, चलिए इसका आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, ऋग्वेद होगा, आपको नहीं याद रहेगा तो ऋग्वेद टिक करके आना आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 कुआं के बराबर जो आप लोग का क्या एक बाबरी होता है, और 10 बाबरी के बराबर क्या होता है एक तालाब, और 10 तालाब के बराबर आप लोग का क्या होता है एक पुत्र होता है, और 10 पुत्र के बराबर क्या होता है एक आपका वृक्ष होता है, इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए, पुत्र हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये गलत बात है, पुत्र नहीं रहेगा तो फिर आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलो वो तो कहने की बात है, बाकी पेड़ पौधे पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एक पेड़ लगा देने से किसी का उम्र घट नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको कहाँ जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। चलो भाई आज का आप लोग का कितना आंसर सही हुआ नीचे कमेंट में डाल देना, हाँ झूठ मत बोलना कि मेरा 30 में 30 सही हो गया, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को बांस भी करेंगे। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा लाइव अगर हो पाएगा तो लाइव कर लेते हैं, यहाँ से दिखाएंगे आप लोग को यहाँ का व्यू किस तरह का अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है यहाँ का है, दिखाएंगे अगर हो सके लाइव, तो धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।